हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एयर कंडीशनर, जो कि हम घरों में एसी लगाते हैं या लगे हुए देखते हैं, या हम अपने घरों में भी यूज करते हैं एयर कंडीशनर। तो उसका आज हम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा जानेंगे, जो कि चाहे तो हम 1.5 टन का एसी चलाएं, चाहे तो हम 2 टन का एसी चलाएं। तो दोस्तों, ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा 1.5 टन और 2 टन का इसमें मिलने वाला है, जो कि होगा 90 से 300 वोल्ट का। तो दोस्तों, इसमें हम एल्युमिनियम और कॉपर का भी जानेंगे। तो पहले जानेंगे हम कॉपर का डाटा, फिर हम जानेंगे एल्युमिनियम का डाटा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि हम कस्टमर को कितने रुपए का दे सकते हैं, या हमारा इसमें कितना खर्च आने वाला है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ और आप देख रहे हैं पॉप इलेक्ट्रॉनिक्स माय चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीसी वाइंडिंग हमारी है सेकेंडरी वाइंडिंग, और एसी वाइंडिंग है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। तो एसी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग और डीसी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों, ये है हमारा जीरो वाला, जो कि हम इनपुट में न्यूट्रल और आउटपुट में न्यूट्रल लेते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट लूप, जो कि होगी 137 वोल्ट की, और जो कि दोस्तों हमारी दूसरी लूप होगी 200 वोल्ट की, और दोस्तों जो कि हमारी तीसरी लूप होगी वो होगी 240 वोल्ट की, और दोस्तों जो कि हमारी 290 वोल्ट की होगी वो होगी हमारी चौथी लूप, और दोस्तों जो कि हमारी पांचवी लूप होगी वो होगी हमारी 300 वोल्ट की। तो चाहे तो हम 300 वोल्ट की निकाल भी सकते हैं, और चाहे तो हम नहीं भी निकाल सकते हैं। तो यह है हमारी 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई, जो कि हम आईसी सर्किट में और सादा सर्किट में लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके टन्स के कितने टन्स देने वाले हैं। तो इसमें हम फर्स्ट लूप में देंगे 127 टन, यानी कि पहली वाली जो लूप है हमारी 127 टन देंगे, और जो दूसरी लूप में हम देंगे 58 टन देंगे, जो कि 200 वोल्ट वाली जो लूप है उसमें देंगे हम 58 टन, और जो कि 240 वोल्ट वाली जो लूप है उसमें हम देंगे 37 टन, और जो कि दोस्तों 290 वोल्ट की जो लूप है, चौथी लूप, उसमें हम देंगे 46 टन, और जो कि 300 वोल्ट की जो लूप है उसमें हम देंगे 9 टन, और दोस्तों जो कि हम 24 वोल्ट डीसी सप्लाई के लिए जो टन देंगे वो देंगे 26 टन। तो एक सप्लाई हम ये निकालेंगे, और 26 टन पर दूसरी सप्लाई ये निकालेंगे। तो यानी कि दो सप्लाई हम निकालने वाले हैं, इसमें क्यों निकालेंगे वो आगे आपको बता देंगे। दोस्तों, इसमें हम वायर गेज जो यूज करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो हम यूज करेंगे 26 नंबर का, यानी कि 26 नंबर का SWG साइज यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब इसमें हम निकालेंगे कोर नंबर और वायर गेज और बॉबिन साइज, सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमने डबल सप्लाई जो निकाली है 26 26 टन की, जो कि 24 24 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई है, ये हमने इसलिए निकाली है डबल सप्लाई कि आप जो है सादा सर्किट पर लगाएंगे तब भी आपका यही चल जाएगा डाटा, अगर आप माइक्रो कंट्रोलर किट्स पर चलाएंगे तब भी आपका डाटा ये चल जाएगा, इसलिए डबल सप्लाई निकाली है, क्योंकि सादा सर्किट पर डबल सप्लाई लगती है इसलिए। तो दोस्तों, अब हम इसमें देखते हैं SWG साइज और कोर नंबर और बॉबिन साइज। तो जो कि हम प्राइमरी वाइंडिंग में अपना वायर गेज जो यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे 15 नंबर का, यानी कि 15 नंबर का वायर गेज यूज करेंगे हम SWG साइज प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, और कोर नंबर जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे 7 नंबर, और दोस्तों जो कि बॉबिन साइज जो यूज करने वाले हैं 4 नंबर, यानी कि बहुत ही कम मार्जिन में ये ट्रांसफार्मर तैयार होने वाला। तो दोस्तों, और हम इसमें कॉपर में बनाएंगे इसको, तो ये हमारा चल जाएगा 1.5 टन में और 2 टन में। तो यानी कि 1.5 टन में भी यही डाटा चलेगा और 2 टन में भी यही डाटा चलेगा, पर दोस्तों कॉपर में चलेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये स्टेबलाइजर आप कितने रुपए का सेल करेंगे, कम से कम दोस्तों 6000 रुपये का सेल करेंगे आप, तब जाकर आपका इसमें
पड़ता आने वाला है, यानी कि आपका मार्जिन तब आने वाला है जो कि आप देंगे 6,000 रुपये का आसपास में देंगे तब तो ठीक है, और ज़्यादा का देते हैं तो आपके ऊपर है। फिलहाल कम से कम का बता रहा हूँ, 6,000 रुपये से कम का नहीं दे तो ठीक है, क्योंकि इसमें जो लागत लगने वाली है वो मीडियम साइज में लगने वाली है। तो दोस्तों 1.5 टन एसी और 2 टन एसी 90 वोल्ट टू 300 का ये डाटा आपको मिल ही चुका है, जो कि कॉपर में हम बनाएंगे, अल्मीनियम में नहीं बनाएंगे। तो अब दोस्तों आगे का डाटा हम जानते हैं, जो कि हम जानेंगे अल्मीनियम में। तो दोस्तों यह है हमारा अल्मीनियम का डाटा, तो जो कि इसकी वोल्टेज रेंज है वो सेम है, और हम इसमें टन्स देने वाले हैं, तो जो कि फर्स्ट लूप में देंगे हम 102 टन, और जो कि 200 वोल्ट वाली जो लूप में जो हम टन देंगे उसमें देंगे हम 47 टन, और जो कि दोस्तों तीसरी लूप में हम देंगे 30 टन, और जो कि दोस्तों चौथी लूप में हम जो टन देंगे वो देंगे 37 टन, और चूँकि 300 वोल्ट वाली लूप आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी निकाल सकते। तो दोस्तों 20 टन पर हम एक सप्लाई निकालेंगे और फिर दूसरी सप्लाई 20 टन पर एक और निकालेंगे, तो डबल सप्लाई हम निकालने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इसका वायर गेज कि इसमें हम कौन सा वायर गेज यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग में हम वायर गेज जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे 26 नंबर का, 25 नंबर का, या 24 नंबर का, या 27 नंबर का, या 28 नंबर का, आप इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें जानेंगे प्राइमरी वाइंडिंग में जो वायर गेज यूज करेंगे, 14 नंबर का वायर गेज यूज करेंगे, और दोस्तों जो कि हम कोर नंबर यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे 7 नंबर, और बॉबिन साइज 5 इंच का। तो दोस्तों कॉपर में और एंड एल्यूमिनियम में हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी कॉपर में भी यूज, यानी कॉपर में भी बना सकते हैं इसको, और एल्यूमिनियम में भी इसको बना सकते हैं। तो एल्यूमिनियम में भी ये डाटा चल सकता है या चल नहीं सकता, बिल्कुल परफेक्टली चलेगा, और कॉपर में तो वैसे भी दौड़ेगा, क्योंकि कॉपर में तो मैंने आपको जो डाटा बताया है भाई यूज करें, क्योंकि वो कम मार्जिन में आने वाला है, और इसको आप अगर कॉपर में बनाते हैं तो इसमें आपका ज़्यादा मार्जिन आने वाला है, यानी कि ज़्यादा खर्च आने वाला है इसमें, तो आप इसको एल्युमिनियम में ही बनाएं तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 1.5 टन एसी का और 2 टन एसी का डाटा बता ही दिया, तो 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट का ये डाटा। और दोस्तों इसको आप चाहें तो माइक्रो कंट्रोलर किट्स पे चलाएं, चाहें तो आप आईसी सर्किट पे चलाएं, चाहें तो आप ऑटो कट सर्किट पे चलाएं, चाहें तो आप सादा सर्किट पे चलाएं, चाहें तो आप फिलिप्स सर्किट के साथ चलाएं, जो कि मैंने आपको जितने भी इसमें कनेक्शन बता रखे हैं उनमें से आप किसी पे भी ये डाटा चला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ ही चुके होंगे, और दोस्तों हमें और भी नए से नए एक्सपेरिमेंट बताते रहिए, मैं भी आपके लिए वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने अपनों का ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।